बताते हैं प्लीज, देश हित में एनआरसी का जो उसी समय जो निर्णय हुआ था उसको लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम पूरी मेहनत से करेंगे। हमारे लिए ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, देश की एकता अखंडता और उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम कर रहे हैं। यहां पर सरदार साहब को याद किया गया, मुझे अच्छा लगा और ये बात हम सब मानते हैं, हो सकता है हमारे कांग्रेस के लोग इस बात को नहीं मानेंगे, हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या ना होती। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान के गांवों की आज जो जद्दोजहद है वो नहीं होती, चित्र अलग होते। ये हमारी सोच है, गलत हो सकती है हमारी सोच, लेकिन इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक किया, इसमें कोई मतभेद नहीं। और सरदार साहब थे जिसको कांग्रेस पार्टी ने देश का पहला गृहमंत्री बनाया था, सरदार साहब थे जो जीवन भर कांग्रेस के लिए जिए, कांग्रेस के लिए जूझे, कांग्रेस के लिए ही उन्होंने अपना जीवन खत्म किया, वो शुद्ध कांग्रेसी थे। लेकिन मैं हैरान हूं, अच्छा जब गुजरात में चुनाव होता है तो सरदार साहब पोस्टर में दिखते हैं लेकिन देश में कहीं नजर नहीं आते, आप ही की पार्टी के थे भाई, क्या तकलीफ है आपको। लेकिन मैं एक बात आज कहना चाहूंगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस पार्टी ने जिसका गृहमंत्री बनाया, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कम से कम एक बार जाकर के जरा श्रद्धा सुमन देकर के आ जाए। सरदार साहब कांग्रेस के, आप ओन कीजिए ना, आप ओन कीजिए। और मैं चाहूंगा गुलाम नबी जी कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। देखिए कभी क्या होता है, पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं, हमारे यहां पुराने नियम कैसे चलते हैं, कहीं डैम होगा एयरपोर्ट होगा तो कहते हैं फोटो निकालने की मना है। अब आज टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो स्पेस में से गली में खड़े हुए स्कूटर के नंबर की फोटो निकाल सकते हैं, लेकिन पुराने कानून पलट के पड़े हैं। तो जो सरदार सरोवर डैम जब ओवरफ्लो होता था, तब तो बना नहीं था तो ओवरफ्लो होता था, उधर दिग्विजय सिंह की सरकार चलती थी, तो ये लोगों को जाना जाने नहीं देते। ऐसे में ही मैं मुख्यमंत्री बना, माने कहा नियम बंद करो भाई और लोगों को आने दो और फोटो भी निकाल ले दो, शुरू किया। फिर तय किया कि अच्छा टिकट रखा थोड़ा ताकि थोड़ा हिसाब किताब रहे, लोगों का पार्किंग वार्किंग व्यवस्था हो। फिर ये कहा कि जब 5 लाख वहाँ नंबर होगा, जो 5 लाख का विजिटर होगा उसको हम सम्मानित करेंगे, और मुझे खुशी से कहना है कि जो 5 लाखवां नंबर का इनाम प्राप्त करने वाला बारामुल्ला का कपल था जो शादी के बाद निकला था और वहां उसने फोटो निकली। देखिए चीजों को कैसे बदला जा सकता है, और इसलिए मैं कहता हूं कि आप भी कभी सरदार साहब के स्टैच्यू पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी करे जी, वहां अच्छा लगेगा, कांग्रेस के थे जी, हमें तो देश के महापुरुष के नाते हमने तो जो श्रद्धांजलि देनी है हम देते रहेंगे। मैं हैरान हूं आजाद साहब, आप तो हेल्थ मिनिस्टर हैं, कभी कभी हम एडवर्टाइजमेंट और जागरूकता अभियान दोनों में थोड़ा अंतर करना चाहिए। जो बिहेवियरल चेंज का विषय होता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट नहीं माना जाता चाहिए। आप बच्चों को गोबे हाथ धोकर के खाना खाओ, उसके लिए एडवर्टाइजिंग कैंपेन करना पड़ता है, खर्चा तो सरकार को देना पड़ता है, लेकिन वो सरकार की एडवर्टाइजमेंट नहीं है जी। आपको भी जब एपिडेमिक हुआ, जब हेल्थ मिनिस्टर थे, आपको भी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ी कि भाई इस एपिडेमिक में गर्म पानी उबाल के पियो, डिकना करो, फलाना करो, देना पड़ता है। इसको अगर आप एडवर्टाइजिंग कहें, बेटी बचाओ बेटी बचाओ के साथ इसके साथ जोड़ दें, ठीक नहीं कर रहे आप तो, कम से कम ऐसा मत करो, इतने साल आप सरकार में रहे हो। लेकिन दुख तब होता है कि मनरेगा के नाम पर कोई मिट्टी उठा करके फेंकने जा रहा है। 3 साल तक देश को एडवर्टाइजिंग किया गया, मनरेगा वो कोई बिहेवियरल चेंज का काम नहीं था,
लेकिन एक नेता को प्रस्तावित करने के लिए सरकारी खजाने से एडवर्टाइजिंग किया गया था, इसको देश भूल नहीं सकता है। लोगों को हाथ धोकर के खाना खाओ, ये बिहेवियरल चेंज कर। इसलिए हम जागरूकता अभियान और प्रचार अभियान को मुझे अंतर देखे, वरना तो देश में बदलाव लाने का काम कैसे करोगे जी, कैसे करोगे? और इसलिए मैं समझता हूं कि यहां आयुष्मान भारत योजना पर भी सवाल उठाए गए। पिछले 5 साल में सभी राजनीतिक दलों के एमपी एक बात को लेकर के मुझे लोकसभा और राज्यसभा के जब भी मिले हैं, मेरी बधाई की है, मेरा अभिनंदन किया है। किस बात के लिए? अपने इलाके से किसी बीमार व्यक्ति के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी और प्रधानमंत्री राहत कोष से उसको मदद मिले। मैंने नियम बनाया था 100% कुछ मत देखो भाई गरीब के लिए, और करीब करीब सभी दल के सभी एमपी मेरे पास आते थे। आयुष्मान भारत योजना की ताकत क्या है वो उस एमपी को मालूम है जिसने अपने इलाके के उस गरीब को मदद के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। आज करीब करीब 0 चिट्ठी हो गई उसी एमपी की चिट्ठी है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको आयुष्मान भारत से फायदा मिल रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री का कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा बदलाव। अब उस आयुष्मान भारत 30 लाख लोगों ने उसका लाभ उठाया। हाँ, हम जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, कोई नेगेटिव चीज हमारे ध्यान में आई है, कुछ कमी ध्यान में आई, मैं बताता हूं हम सब मिलकर के उसको सुधारें। आप मेरा ध्यान आकर्षित कीजिए, आयुष्मान भारत योजना को जितना हम सशक्त बनाएंगे, सच्चे अर्थ में इस देश के गरीब को हम और गरीब होने से बचा सकते हैं। वरना गरीब अगर न्यू मिडिल क्लास की दिशा में जा रहा है, पैर रखना है, घर में एक बीमारी आई उसकी पूरी 20 साल की मेहनत पानी में चली जाती। हम बहुत बड़ा मानवता का काम होगा। इसलिए आयुष्मान भारत की आलोचना करने के बजाय, और इसकी क्रेडिट मोदी ले जाएगा, अब मिल गए भाई, हो गया, चुनाव का नतीजा आ गया, आप काम करो। 2024 के लिए नए काम लेकर के जाने वाला हूं मैं, आप चिंता मत कीजिए। और इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको जरा हम करें। यहां पर बिहार के चमकी बुखार की भी चर्चा हुई है, हम सभी के लिए दुख की बात है और शर्मिंदगी की बात है कि आधुनिक युग के अंदर, और मैं मानता हूं पिछले 7 दशक में सरकारों के रूप में और समाज के रूप में हमारी जो कुछ विफलताएं हैं उसमें ये एक सबसे बड़ी विफलता है, उन विफलताओं में से एक विफलता है, और इसको हम सबने गंभीरता से लेना होगा। मैं समझता हूं कि कुछ जगह पे सुधर, जैसे ईस्टर्न यूपी में इन दिनों अच्छी स्थिति नजर आ रही है, फिर भी क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अच्छी स्थिति नजर आ रही है। जिन बातों को लेकर के पकड़ा है, टीकाकरण का काम हो, वैक्सीनेशन का काम हो, सुरक्षित मातृत्व का, इन सारी चीजों पर हम बल दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये जो दुखद स्थिति है, मैं राज्य सरकार के निकट संपर्क में हूं, मैंने हमारे देश के आरोग्य मंत्री को भी तुरंत वहां दौड़ा था, और मिलकर के मदद कर करके उसमें से जितना भी जल्दी हो सके संकट में से सबको बाहर निकाल सके, पोषण हो, टीकाकरण हो, सुरक्षित मातृत्व हो, आयुष्मान भारत योजना का लाभ हो, ये सारी चीजों का जितना ज्यादा हम प्रचार करेंगे ऐसे संकटों से हम बचा पाएंगे। और आज एक राज्य में है, कल किसी और राज्य में हो सकता है, हमने ही एक प्रोएक्टिव होकर के ऐसी समस्याओं से लोगों को बचाने के लिए काम करना होगा। सबका साथ सबका विकास, ये जब मैं बात करता हूं ये राजनीतिक स्लोगन नहीं है, हमारे देश में कुछ भूभाग भी है जो विकास से पीछे रह गए। हमने एक 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए, पैरामीटर के आधार पर किए हैं। राजनीति के दबाव में ही जीने वाले कुछ राज्यों ने उसमें भी अपने हाथ ऊपर कर दिए, मैं हैरान हूं क्यों ऐसा करते हैं, कौन सी राजनीति है इसमें, लेकिन उसके कारण क्या हुआ, वरना ये राज्य मुझे जब गुजरात में मैं था, हमारे यहां कच्छ जिले में किसी को भी अपॉइंटमेंट करे तो वो तो काला पानी की सजा हो गई, कोई अफसर जाने को तैयार नहीं। अब तो खैर कच्छ जिला देश के तेज गति से बढ़ने वाले जिलों में आ गया, आज की स्थिति इसी जमाने में ऐसा, वैसा हिंदुस्तान में हर राज्य में एक दो जिले होते हैं कि वहां पोस्टिंग मतलब वो अफसर बेकार ढिकना, इसी उस साइकोलॉजी को बदलने के लिए यंग अफसरों को लगाइए। राज्यों के साथ मेरी बात हुई, यंग अफसरों को लगाया है, और इन 112 जिलों का डैशबोर्ड पर डेली मॉनिटरिंग होता है,
कई पैरामीटर पे सुधार आ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का मेरा मतलब यही रहा है कि जो पीछे रह जाते हैं उनको एक बार एवरेज की स्थिति में ले आए हम, एक बार एवरेज की स्थिति में ले आएंगे तो फिर उनका विश्वास बढ़ेगा, तो वो भी आगे आने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ ईस्ट को हमने जितना ध्यान देना चाहिए किसी न कारण से वो, लेकिन पिछले 5 साल पूरा फोकस किया गया है, एक वातावरण बना है, हमने इसको और बल देने की आवश्यकता है। पॉलिटिकली कोई गेम बनना, मान लो वहां से एक एक एमपी है, इसलिए किसी भी इतनी बड़ी देश की सरकारों को एक एक एमपी, मेरे लिए एमपी का मुद्दा नहीं था, मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट एक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण इकाई है। और इसलिए पिछले 5 साल हमने काफी, यानी मंत्रियों को कंपलसरी था वहां जाना, और सिर्फ स्टेट कैपिटल पर नहीं, एक रात रुक करके किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जाना। इसके पीछे मेरी सोच ये थी कि सबका साथ सबका विकास का मतलब है कि भौगोलिक रूप से भी देश में सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए, और उस दिशा में इन दिनों मैंने अभी सर्वे किया पानी का, करीब 226 डिस्ट्रिक्ट ऐसे ध्यान में आए हैं जहां पानी के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। किस राज्य में है मेरा मुझसे नहीं है, पैरामीटर के आधार पर अब मैं सबको मोबिलाइज कर रहा हूं, आप सभी आपकी भी मदद चाहूंगा कि हम पानी के काम को कैसे बल दें, एमपी लेड फंड में भी प्रायोरिटी पानी को कैसे दें, उन कामों को कैसे दें। एक बार हम इस समस्या से देश को बाहर लाए, क्योंकि पानी की समस्या से देश को बाहर लाना चाहिए, और पानी के संबंध में समाज को जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है ताकि भविष्य में नवी आने वाली पीढ़ियों को पानी के संकट से बचाया जाए। और इसलिए जल शक्ति मंत्रालय भी अलग बनाया गया है, उसकी दिशा में भी काम हो रहा है। हमारे यहां पहले ही मैंने कहा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दे, यहां दिवालिया कानून को लेकर के चर्चा काफी हुई, फ्यूगिटिव एंड इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट के विषय में, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्शी का, इस कानून का असर ऐसा है 3,00,000 करोड़ रुपया जस्ट कानून बनने के कारण बैंकों में जमा वापस आए, 3,00,000 करोड़, वरना ये ले जाते तो उनको परवाही नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं। अब पता चला है कि हमारी मैनेजमेंट भी चली जाती है, हमारी गाड़ियां और बिजनेस कॉल की टूर भी चली जाती है, कोई न कोई और आकर के बैठ जाता है, एक वातावरण पैदा हुआ है। हम इसमें से सकारात्मकता देखें और उसमें से रास्ता निकालने का हमारा प्रयास है, हम सब मिलकर के इसको करें, और मुझे विश्वास है ये जो प्रयास किए गए उसका परिणाम मिलेगा। यहां पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हुई है, मैं मानता हूं भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत ही दीर्घ दृष्टि के साथ हमें एक ऐसा दस्तावेज दिया है कि हम देश को एक रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, स्पर्धा का वातावरण राज्यों में बना आवश्यक है, लेकिन मैं समझता हूं कि हम जिस मंत्र को लेकर के चल रहे हैं, मैंने अभी उसको व्याख्यात किया था, नारा नेशनल एम्बिशन विद रीजनल एस्पिरेशंस, इस नारा के मंत्र को लेकर के मैंने कहा था कि हमने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इस देश में कुछ ऐसे मुद्दा नहीं हो सकते जिसमें हमारी सहमति हो, ऐसा तो नहीं हो सकता जी। क्या हम उन सहमति मुद्दे के लेकर के देश में एक वातावरण क्रिएट कर सकते हैं क्या? गांधी 150 और आजादी 75 एक अवसर है, हम उसको अवसर के रूप में कैसे लेकर के जा सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन यह राज्यसभा भी क्या उस फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा है क्या? क्या कि हम एक स्वतंत्र इकाई है? जी नहीं, हम भी उस व्यवस्था का एक पुर्जा है, और लोकसभा देश की जनता ने चुन करके भेजा, लेकिन चूंकि हम नंबर नहीं है इसलिए हर काम को हम रोक के बैठेंगे। ठीक है, हमें नीचा दिखाने में आपको आनंद आता है, खुशी की बात है, लेकिन देश का मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं। पिछले पांच साल में बहुत से होने वाले काम हम अटका गए। आप मुझे बताइए जो बिल लैप्स हुए लोकसभा में क्योंकि राज्यसभा ने पारित नहीं किया, अब वो लोकसभा के अंदर दोबारा होंगे, फिर से लोकसभा में खर्चा होगा, देश के टैक्स पेयर का पैसा लगेगा, घंटों जाने वाले हैं तब जाकर होगा। यही काम हमारी राज्यसभा कर सकती, और ये भी हेल्दी फेडरल स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। हम फेडरल स्ट्रक्चर के स्पिरिट को लेकर के राज्यसभा का दायित्व भी बनता है, और मैं समझता हूं कि हमने उस दायित्व की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा।
और हमारी बात माने या न माने आपकी मर्जी, उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणव दा की बात को हमने सबने माना चाहिए, मुझे भी मानना चाहिए, आपने भी मानना चाहिए। प्रणव दा ने बहुत बड़ी स्पष्ट बात कही थी, इट इज दैट द मेजोरिटी हैज गॉट द मैंडेट टू रूल एंड द माइनॉरिटी हैज गॉट द मैंडेट टू अपोज। मैं नहीं मानता इसमें कोई मतभेद है, लेकिन राष्ट्रपति जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने आगे कहा, बट Nobody has got the mandate to obstruct। मैं समझता हूं इस मंत्र को हमने लेकर के चलना चाहिए, तभी जाकर के सच्चे अर्थ में फेडरल सेक्टर, और आप तो राज्यों के जीते जागते प्रतिनिधि हैं, राज्यों के एस्पिरेशंस को आपकी अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, यहां दल से उठ करके आपके राज्य के हित में आपकी आवाज उठनी चाहिए। यह बात सही है कि भारत जैसा देश है, सब चीजें सब राज्यों को एक साथ मिल जाए ऐसा होता नहीं है, किसी को पहले मिलेगा, किसी को बाद में मिलेगा, किसी को शायद मिलना संभव भी नहीं होता, होता रहता है, पहले भी हुआ है। लेकिन इसके लिए हम संख्या के बल पर हम देश के सारे कामों को रोक दें। और मुझे मालूम है पिछली बार जब सदन पूरा हुआ तो आनंद जी और गुलाम नबी जी दोनों मुझे कह रहे थे साहब कुछ करना पड़ेगा, एकाध राज्य का एक इश्यू और एक MP खड़ा होकर के सारा रोक दे तो कैसे चलेगा, ये दोनों मुझे कह रहे थे और सही बात है। मैं समझता हूं हमने मिलकर के सदन को चलाना, सदन को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, इस काम को लेकर के चलना होगा। मेरा ये भी कहना है लाइक एंड सब्सक्राइब स्वेच्छा टीवी, हमारा ये भी कहना है कि गांधी 150